नमस्कार, मैं गुनगुन जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर कारगिल में टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया था। तब से ये दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश अपने उन वीर सैनिकों को याद करता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा की थी। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था और इसमें भारत की विजय हुई थी। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के लिए करीब 2,00,000 सैनिकों को कारगिल भेजा था। इस युद्ध में 527 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। कलकत्ता में आज के दिन हुई थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इंडियन एसोसिएशन का लक्ष्य सभी वैध तरीकों से भारत के लोगों का राजनैतिक, बौद्धिक एवं भौतिक विकास करना था। इस संस्था ने भारत के सभी भागों के शिक्षित एवं समाज में काम करने वाले लोगों को आकर्षित किया और देश की स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गई। आगे चलकर इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई। मुंबई में आज के दिन बरसी थी तबाही, गई थी 1,000 से ज्यादा लोगों की जान। 26 जुलाई 2005 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्से भीषण बारिश का शिकार हुए थे। लोग कई दिनों तक घरों, दफ्तरों और रेलवे स्टेशनों पर फंसे रहे थे। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े थे। मुंबई में यातायात ठप हो गया था और ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ी थी। बांद्रा वर्ली सी लिंक और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को बंद करना पड़ा था। विमान सेवाओं को भी रोकना पड़ा था। मौसम विभाग के अनुसार उस दिन महाराष्ट्र में 944 मिलीमीटर बारिश हुई थी और 1,000 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। आज के दिन बम ब्लास्ट से दहल उठा था अहमदाबाद। 70 मिनट में हुए थे 21 धमाके। गुजरात का अहमदाबाद शहर 26 जुलाई 2008 को बम धमाकों से दहल उठा था। 70 मिनट में एक के बाद एक 21 बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सबसे पहला बम ब्लास्ट सिटी मार्केट में हुआ था। इस हमले में घायल लोगों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां फिर बम ब्लास्ट हुआ। सभी बम ब्लास्ट भीड़ वाले इलाकों में किए गए थे। ज्यादातर बम ब्लास्ट के लिए सिटी बसों को टारगेट किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।